नमस्कार, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, रूस ने कोरोना की वैक्सीन के नाम पर लंबा खेल किया और किसी को पता भी नहीं चला। रूस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पुतिन, रूस ने दावा किया कि कोरोना की वैक्सीन रेडी है, लेकिन इसमें एक झोल है। अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि हम इसी तरह की न्यूज आपके लिए लेकर आते रहते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। महाभारत में एक प्रसंग है, युद्ध हो रहा है, द्रोणाचार्य और उनके पुत्र अश्वत्थामा ने गार्डन काट दिया है, लग रहा है कि पांडव हार जाएंगे। ऐसे में कृष्ण एक चाल चलते हैं, अश्वत्थामा नाम के हाथी का वध होता है और युद्ध क्षेत्र में ये हल्ला मच जाता है कि अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य को लगता है कि उनका बेटा मारा गया, लेकिन उनको बस युधिष्ठिर की बात पर भरोसा है। तो वो युधिष्ठिर से पूछते हैं, युधिष्ठिर कहते हैं अश्वत्थामा मारा गया। फिर अपनी कभी झूठ न बोलने की निष्ठा के तहत युधिष्ठिर धीमी आवाज में ये भी बोलते हैं, किंतु हाथी पर कृष्ण शंखनाद कर देते हैं। द्रोणाचार्य को लगता है कि युधिष्ठिर तो झूठ बोल नहीं सकते, इसलिए भरोसा कर लेते हैं, अस्त्र त्याग देते हैं और शोक में डूबे द्रोणाचार्य का सिर द्रौपदी के भाई प्रद्युमन काट देते हैं। अब ये आधे सच की कहानी क्यों? क्योंकि ये कहानी रूस के कारनामे पर याद आ गई। रूस ने कोरोना वायरस की वैक्सीन पर भी ऐसे ही आधा सच बोला। पता चला आधा सच कुछ और है। खबर चली कि रूस के वैज्ञानिकों ने कोरोना की वैक्सीन का ट्रायल पूरा कर लिया है। इसे कोरोना की वैक्सीन की सफलता की तरह देखा गया, लेकिन रूस ने ये नहीं बताया कि उसने अभी वैक्सीन के ट्रायल का पहला फेज ही पूरा किया है। अभी बाकी के दो फेज बचे हुए हैं और अभी समय लंबा लग सकता है। कुछ दिन पहले यानी 7 जुलाई को WHO ने भी रूस की इस वैक्सीन की बात की थी। कहा था कि ये वैक्सीन अभी ह्यूमंस ट्रायल के पहले चरण में है। इसके अलावा WHO ने उन 21 वैक्सीन की सूची भी जारी की है जिससे पूरे विश्व को सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। WHO के मुताबिक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन सबसे अगली लाइन में है। ये पहले दो सफल चरणों के बाद अब ट्रायल के तीसरे चरण में है। क्या है रूस की वैक्सीन की कहानी? लंबी कहानी छोटे में, रूस की सेसनो यूनिवर्सिटी ने दावा किया कि उसने COVID-19 की वैक्सीन तैयार कर ली है। नाम दिया है गाम कोविड वैक्लियो। इंसानों पर इसका परीक्षण सफल रहा, ऐसा दावा किया गया है और अब ये तय किया जाएगा कि इसे लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। रूसी समाचार एजेंसी स्पूतनिक के मुताबिक रूस के इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसलेशन मेडिसिन एवं बायोटेक्नोलॉजी के डायरेक्टर वादिम तारासो ने साफ तौर पर कह दिया है कि दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन तैयार कर ली गई है। सेसनो यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ वैक्टर बॉर्न डिजीज के डायरेक्टर अलेक्जेंडर लुकासेव ने कहा, हमारा मकसद था वैक्सीन को इस पैरामीटर पर जांचना कि वह इंसानों को सुरक्षा दे रही है या नहीं। वैक्सीन का ट्रायल पूरा हुआ, सफल रहा, जल्द ही यह बाजार में उपलब्ध होगा। जिन लोगों पर वैक्सीन ट्रायल किया गया था वे अब स्वस्थ हैं। कुछ लोगों को 15 जुलाई और कुछ लोगों को 20 जुलाई से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। कहा गया है कि अब तो बात मास प्रोडक्शन तक आ गई है। कुछ खबरें बता रही है कि रूस अगस्त से इस वैक्सीन का वितरण शुरू कर देगा, लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं है। बस वैक्सीन का पहला चरण ही पूरा हुआ है, दूसरा चरण पूरा होने और WHO की ओर से हरी झंडे मिलने पर ही इतनी बड़ी संख्या में वैक्सीन लग सकेगी। तो क्या ट्रायल पूरा करना जरूरी है? क्या बात कर रहे हैं, एकदम जरूरी है। हर एक फेज पूरा होना जरूरी है। क्यों, कैसे और किस लिए? क्योंकि पहले फेज में तो बस ये देखा जाता है कि वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। नहीं दिखाई देता तो दूसरे फेज में ट्रायल शुरू होता है। इसमें 100 से 1000 लोग शामिल होते हैं और अब साइड इफेक्ट नहीं, ये देखा जाता है कि वैक्सीन काम कर रही है या नहीं। अगर इन्हीं दो चरणों में आशाजनक परिणाम मिल गए तो ट्रायल की अनुमति देने वाली संस्था मान गई तो ट्रायल नहीं रोक सकते और वैक्सीन का प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। फिर भी 4-5 महीने कम से कम लग ही जाते हैं। लेकिन अगर ट्रायल की अनुमति देने वाली संस्था नहीं मानी तो अगले चरण के ट्रायल करने होंगे। फिर आता है फेज 3। तीसरे फेज में आशाजनक परिणाम मिल गए मतलब बड़े लेवल पर वैक्सीन बनाकर लगा सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में 1.5 से 2.5 साल से ज्यादा का समय लग जाता है, तब जाकर कहीं तैयार होती है वैक्सीन। मतलब क्या कह ही देते हैं कि रूस ने कृष्ण जी वाला काम कर दिया।